इतनी मुझे सफ़र करने की आदत हो गई है, रोज़ सफ़र में रहती हूँ. माई लाइफ इज़ सफ़रिंग. तो अब जिस दिन सफ़र ना करूँ ना, तो उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता. अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. तो इस तरह ही मेरे बाल ख़राब होते हैं और मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ. तो आज ये हुआ कि स्पीडो का जो किराया 20 रुपये था वो हो गया 25 रुपये, और अब कोई 5 रुपये वापस मांग रहे हैं और किसके पास 5 रुपये हैं नहीं देने के लिए. सो बड़ा रोला. मैंने भी खुद 20 रुपये दिए हैं क्योंकि मेरे पास 5 रुपये नहीं थे. बट अब मैं कल से रखूँगी पास अपने. चलो गाइस चलते हैं जल्दी से ऊपर. माय गॉड, कार्ड से 20 रुपये. कार्ड में मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं स्पीडो का कार्ड कहाँ से मिलता है. मुझे भी बहुत शौक है सना कार्ड लेने का. तुमने कार्ड कहाँ से लिया हुआ है? मिलता ही नहीं है अब तो. जब भी पूछो कोई भी नहीं होता उनके पास. अब उधर कौन जाए? चलो गाइस लिफ्ट में बैठे जल्दी से. आ रही है? नहीं आ रही अभी. चलो जी गाइस, जुम्मा ब्रेक करके अब हम जा रहे हैं दोबारा ऑफिस. और आज मैं मटर कीमा लेके आई हुई हूँ और मुझे ना रोटी नहीं खानी, उसके साथ में मंगाऊँगी स्लाइस. तुम लोग खाते जा. तो ये मेरी फ्रेंड्स भी साथ में चली गई हैं अंदर. सो अब हम भी चलते हैं अंदर. आज का ज़्यादातर का मेन्यू है मटर. है मटर का, मटर है, मटर शोरबा, मटर चिकन, और मेरा है मटर कीमा. तुम्हारा मटर कीमा? हाँ, बट मैं स्लाइस का, मैंने स्लाइस कहाँ गए, मैं ये स्लाइस मंगाया मैंने. तजीना है ना जो हमारी ऑफिस की, बहुत अच्छी चाय बनाती है गाइस. ये सबका टी टाइम. ये डक्की क्यों हुई थी? ये वो उमर गया हुआ चीज़. अच्छा अच्छा, सर का खाना लेना. तो ये चीनी मिसेज़ीन, उसके कप ना मुझे पकड़ा दीजिएगा गाइस. पूरा कितने टू वीक्स नाराज़गी रहने के बाद फाइनली आपको मेरे व्लॉग्स में, जो मेरे व्लॉग रोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि नज़र नहीं आई. क्योंकि हमारी, हाँ हमारी ये ना का मसला बन गया था. वो कहती थी तुम बुलाओ, मैं कहती थी तुम बुलाओ. और इसकी ये ना ऐसी गंदी है ना कि इसकी ना ही नहीं खुदा नहीं. फिर इसने मुझे बुलाया तो फिर मैंने ऐसा बुलाया कि अब कभी इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेस्टी है. चलो गाइस मिलते हैं बाद में. हाय, हो गई छुट्टी और लिफ्ट अभी कोई भी नहीं आ रही यहाँ पे. 7 बज रहे हैं गाइस. ये लिफ्ट कब आएगी? सीढ़ियों से चले. बड़ा ही प्यार अच्छा जी, यहाँ पे स्पीडो पे मैं बैठ चुकी थी और यहाँ पे गुलबर्ग वाली साइड में ना इतनी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं. जैसे कोई शादी है या कोई बारात आने वाली है, सड़कों पे रोशनी रोशनी. लेकिन जो हमारा वाला एरिया ना, वो थोड़ा उसमें अंधेरा अंधेरा होता है. लेकिन ये जो गुलबर्ग वाली साइड है, 1, 2, 3 गुलबर्ग जो भी है सारा, इतना इतनी लाइटिंग, इतना प्यारा लगता है. और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे रास्ते में जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है और इतनी इतनी देर तक गाड़ी खड़ी रहती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. पता नहीं क्यों आजकल तो इस ज़्यादा हो गई है ट्रैफिक आम दिनों की निस्बत. सो स्पीडों का अब रास्ता भी बल्कि वो चेंज कर करके जाती है कि हम जो हैं वो ट्रैफिक हमें ना मिले रास्ते में. और अभी तो आगे आगे कह रहे हैं कि PSL का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो शायद स्पीडो नहीं चलेगी. और फिर पता नहीं मैं क्या करूँगी और कैसे मैं घर आया करूँगी जाया करूँगी. और एक वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ जो मैं रोज़ कर लेती हूँ. वजीफ़ा नहीं, मतलब दो सूरतें हैं, वो पढ़ लें तो कहते हैं कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलती और आपको सवारी भी आसानी से मिल जाती है. और वो सूरत है सूरह कुरैश और सूरह नसर. ये दोनों सूरतें मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, तो आई थिंक इसलिए मैं ना अल्लाह पाक बड़ी आसानी करते हैं आने और जाने में, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती. जी तो मैं YouTube फैमिली घर में आ गई हूँ और देखा रास्ते में आपको मैंने आज ट्रैफिक दिखाई है. इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, अभी इससे भी ज़्यादा होती है, डबल डबल. सो पता नहीं क्यों लाहौर में इतनी ट्रैफिक है. और इतनी मुझे सफ़र करने की आदत हो गई है, रोज़ सफ़र में रहती हूँ. माई लाइफ इज़ सफ़रिंग. तो अब जिस दिन सफ़र ना करूँ ना, तो उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता. और इतना सफ़र करने के बाद ही जब रात को मैं लेटती हूँ ना, और लेटते ही फिर मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ. लेटते ही नींद आ जाती है. लेकिन जिस दिन ना जाऊँ ना, एक दिन भी छुट्टी कर लूँ, तो फिर ये है कि फिर 2-2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती. सो थकावट से जो है ना, फ़ौरन नींद आती है. यही वजह बस जॉब करने की. रूटीन बड़ी सेट है जॉब करने से ना. घर होती हूँ ना जब, तब मैं खाना तो नहीं खाती. मतलब मैं सुबह बस नाश्ता करके अगले दिन नाश्ता चाहे कर लूँ,
लेकिन ऑफिस जाने से रूटीन इतनी अच्छी होती है कि दोपहर का खाना भी खाती हूँ, फिर रात का भी खाती हूँ, फिर सुबह नाश्ता भी करती हूँ और पानी भी पीती हूँ। सो गाइज, अब रहे मेरे साथ अम्मी जुहान की कैसी तबीयत है? कल पता नहीं क्यों मेरा छोटा भतीजा है जो जुहान, वो रो ही रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसको ऐसे कंधे से लगाते थे तो थोड़ी देर चुप कर जाता था। उसको मेडिसिन भी दी, पता नहीं अब बच्चों को समझ भी नहीं आता कि उनको मसला क्या है, बेचारा रो के ही बता सकते हैं कि उनको कोई मसला है। तो फिर डॉक्टर के लेके गए हैं तो मेडिसिन वगैरह दी है। तो क्या मसला क्या था वैसे उसको? कुछ भी नहीं, डॉक्टर कह रहा ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं। कोई पेट शेट दुख रहा होगा? अभी भी रो रहा है? अभी भी रोती ही है, रो रहा था। उसको पेट का ही मुझे लगता है कोई इशू हो गया। खैर, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत और तंदरुस्ती ता फरमाए। तो बाकी ये है कि अम्मी खाने को क्या है? अम्मी ने बनाया है अंडे, अंडा वाला, शोरबे वाले अंडे होते हैं ना वो। और चलो गाइज, रहे मेरे साथ, देखते हैं बाकी। ओ ये जुहान है, ये जुहान है हमारा, इसको पता नहीं क्या हो गया गाइज। नो इसके लिए गाइज प्रे करें, ये ठीक हो जाए बेबी छोटा। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये लोता है लोता है लोता है और बस लोता ही है। हसाना पा गए हो? बालों में ऑयल लगाया हुआ है? आज इधर आओ ना, आया था आज तो नहा के ऑयल लगा लिया। हाँ अभी लगाया है। गाइज ये मेरा भतीजा है, इसका नाम क्या है? हसान। हसान है और ये हमारा स्पेशल बच्चा है। इसकी जो एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताऊंगी अनकरीब किसी व्लॉग में। लेकिन खैर, इस बच्चे को आपने दुआओं में लाजमी याद रखना है ना हसान। और क्या कहना चाहोगे यूट्यूब फैमिली से मेरी? कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा।